दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको कन्नौज के 72 मजारों से रिलेटेड बहुत ज़रूरी जानकारी बताएंगे। उम्मीद है आप सब हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को ध्यान से सुनेंगे और अमल भी करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि कन्नौज के सकरी गाँव में करीब 72 मजार निकले थे, और हम आपको बता दें कि आला हजरत बरेली शरीफ से एक फतवा जारी हुआ है और इस फतवे में कन्नौज के सभी 72 मजारों को फर्जी बताया गया है। बरेली शरीफ से कुछ जानकार लोग इन मजारों की जानकारी लेने के लिए गए थे और पता लगाया है कि वहाँ उस जगह पर पहले से कोई मजार नहीं थे और ये अफवाह सिर्फ कमाई के लिए उड़ाई गई थी। दोस्तों अगर आप रब की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह की अकीदत करते हैं, तो हमें हर परेशानी हर तकलीफ से निजात मिलती है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर यकीन करना बिल्कुल गलत है। ऐसी अफवाहों को मानने से हमारा ईमान कमज़ोर होता है और वक्त व पैसा भी चला जाता है, साथ ही आप गुनाहों के हिस्सेदार भी बन जाते हैं। फ्रेंड्स इस वक्त जो कन्नौज में 72 मजार मौजूद हैं वो सभी फेक हैं। बरेली शरीफ से जो फतवा जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि कन्नौज के सकरी गांव में एक शख्स के सपनों में बसारत हुई है कि वहां पर 72 मजार हैं। अगली सुबह ही उस शख्स ने मजार बनवाने का काम शुरू कर दिया और जैसे ही मजार बनकर तैयार हुई दूर दूर से लोग उन मजारों पर आने लगे और अपनी दुआओं और परेशानियों को सुनाने लगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ जाने से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, जबकि कुछ भाइयों का कहना है कि पहले वहाँ पर कुछ नहीं था, एक खाली खेत था और उस खेत में आलू की खेती होती थी। फतवे में लिखा है कि लोगों का वहाँ पर जाना हरगिज़ जायज़ नहीं है और जो लोग वहाँ पर जाकर आ चुके हैं या चले गए हैं वो तुरंत ही तौबा कर लें। नकली मजारों पर जाना और उनको मानना नाजायज़ है। जो भी लोग वहाँ जाकर खुश हैं वो सब गुनाहों के हिस्सेदार हैं। जो भी लोग असली मजार समझकर वहाँ गए हैं वो तौबा कर लें और आगे कभी भी बिना पूरी जानकारी के ऐसी किसी भी बात पर विश्वास ना लाएं, अल्लाह पर भरोसा रखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए मददगार होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके।